पिछले दो महीने से राज्य भर में धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस बार टीएचआर के वितरण का विरोध कर रही हैं। आपको बता दें कि डोईवाला में भी पिछले 11 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हर महीने की 5 तारीख को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं को घर पर राशन दिया जाता है, जिसका सभी कार्यकर्ता विरोध कर रही हैं। और इस महीने की 5 तारीख को राशन न बांटने का अल्टीमेट दिया गया है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मांग है कि उनके कार्य अनुसार उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जो टेक होम राशन है, टेक होम राशन हम 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को देते हैं। गर्भवती होती है उसमें धात्री महिला होती है उनको दिया जाता है। ये महीने की हर 5 तारीख को दिया जाता है। जो हमने पिछले जनवरी में भी हमने आधा जो हमारा क्षेत्र है उन्होंने बांटा था और आधों ने नहीं बांटा था, लेकिन इस बार हम सब टीएचआर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो हम इतने 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं और विभाग से भी हमारे ऊपर जोर आ रहा है कि वो धरने को समाप्त कर दें और वापस आ जाएं। हम लोगों का धरने पे बैठे हुए लगभग 2 महीने पूर्ण होने जा रहे हैं और हमारी मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं है, बहुत जायज मांगे हैं। जो इसमें मेन है कि हमारी मानदेय बढ़ोतरी, क्योंकि हम लोगों को इतना मानदेय नहीं दिया जा रहा है कि हम अपने घर परिवार अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। हमारी बहुत सी महिलाएं सिर्फ और सिर्फ इसी नौकरी पर डिपेंड होकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं, लेकिन अगर आप देखें कि 7-7.5 हज़ार रुपये में क्या वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन या अच्छी परवरिश, अच्छा खान पान या कर सकती है क्या? जब हम लोग पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से और अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए हम पूर्ण समय उनको दे रहे हैं, तो सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि वो हमें इतना मानदेय दे कि हम अपने बच्चों का आराम से भरण पोषण कर सकें। हमारी मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं, हम अपने काम का दाम मांग रहे हैं।